नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। सीबीएसई ने साल 2019 से 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पास होने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अगर आप साल 2019 में सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना है। सीबीएसई ने साल 2019 से बोर्ड की परीक्षा में पास होने के नियमों में बदलाव किए हैं। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अगले साल से किसी भी विषय में थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर 33% नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स को पास माना जाएगा। इससे पहले स्टूडेंट्स को थियोरी और प्रैक्टिकल्स दोनों में अलग अलग न्यूनतम अंक लाकर पास होना होता था। सीबीएसई के इस बड़े फैसले से अब स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा में पास होना और भी आसान हो गया है। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया, साल 2019 से 10वीं क्लास की परीक्षा देने वाले छात्रों को इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड एग्जाम में अलग अलग पास होने की जरूरत नहीं होगी। यानी अब उनको पास होने के लिए थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों में मिलाकर 33% अंक लाने होंगे। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया कि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम के समय उपस्थित नहीं होंगे उन्हें प्रैक्टिकल में 0 नंबर मिलेंगे और रिजल्ट की गणना भी उसी के अनुसार होगी। बता दें, साल 2020 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 9वीं और 11वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा सकते हैं। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर है। ₹150 का शुल्क देकर छात्र रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।